आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, यहाँ तमाम तरह के जो बाढ़ पीड़ितों को राहत कैंप लगाए गए हैं उनमें एक कैंप ऐसा भी है जो फ्री चिकित्सा कैंप है, फ्री दवाई दी जाती है यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को। यहाँ कोई ऐसा पॉलिटिकल कैंप नहीं है, पॉलिटिकल कैंप भी है जो दवाई देते हों या कराते हों या कुछ ऐसी व्यवस्था बाढ़ पीड़ितों के लिए कराते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये फ्री चिकित्सा कैंप चला रहे हैं और फ्री दवाई दे रहे हैं, राशन तो देते ही देते हैं लेकिन दवाई भी देते हैं। और अब यहाँ के काउंसलर हैं, विधायक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की सुविधा बाढ़ पीड़ितों को नहीं दे रहे, इनसे बात करेंगे। ये कैंप किसके द्वारा चलाया जा रहा है, इसके संस्थापक कौन है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है जानना चाहेंगे, यहाँ आपने अनोखा कैंप चला रखा है जो दवाई दे रहा है फ्री। नहीं, मैंने तो अनोखा नहीं चलाया और उसके अलावा भी और भी शायद यहाँ पर कैंप हो। नहीं, हमने तो नहीं नोटिस किया है जो फ्री चिकित्सा कैंप चल रहा हो, दवाई देते हो, राशन बांटा जा रहा है यहाँ तो। हाँ, वो तो हो सकता है हो, मैंने तो बाकी ये है कि हम अपने तहत जो कर रहे हैं हम उस पर हमारा फोकस है। हम क्या कर रहे हैं, अभी जब से यहाँ पर ये बाढ़ आई है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करें, तो अभी उसी को देखते हुए ये हमने एक कैंप लगाया, रिलीफ कैंप में फ्री मेडिसिन की सभी को, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए और 300 से ज़्यादा लोग तकरीबन उन्होंने मेडिसिन का लाभ लिया, फ़ायदा उठाया। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलीम निज़ामी। अच्छा। वो बहुत अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, तो उन्होंने आके देखा, MBBS डॉक्टर हैं, उनकी निगरानी में ये कैंप आयोजित हुआ और बहुत अच्छा सक्सेस रहा। हाँ, मनोहर साहब, आपने अपना नाम नहीं बताया, आप अनोखा कार्य कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आप दवाई राशन के साथ साथ दवाई भी दे रहे हैं, वो नाम तो जानना चाहेंगे ना, पब्लिक जानना चाहती है। मैं मौलाना नहीं हूँ, अल्लाह मुझे मौलाना बनाया अच्छा। मेरा नाम तारिक नासिर है। अच्छा। हाँ, और मैं एक स्कूल चला रहा हूँ द फर्स्ट ऐप पब्लिक स्कूल के नाम से जी, और उसी को रन कर रही है मेरी NGO ये जहांगीर खान फाउंडेशन ट्रस्ट। जी जी, जहांगीर खान हमारे परनाना जी का नाम था जी, उन्हीं के नाम से NGO चला रहा हूँ। और हमारा तो मेन मकसद है वो एजुकेशन है, एजुकेशन पर हमारी संस्था काम कर रही है। लेकिन इस समय जैसा कि हमारे पड़ोस में ये बाढ़ आई है, लोग प्रभावित हुए हैं इससे, तो हमने फिर उसमें रिलीफ कैंप लगाकर इस पर हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, वो चाहे वो किसी भी पर्पज से हो, राशन के पर्पज से हो, मेडिसिन के पर्पज से हो या दवाई के पर्पज से हो, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की वस्तुएं, उनकी ज़रूरत के तौर पर हो। ये जानना चाहेंगे ऐसे कितने लोगों को आप रोज़ाना दवाई मुहैया करा देते हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं। कौन, हम जी? अभी कैंप हमने आज लगाया ये और आगे हम जारी रखेंगे, अब हम बसंतपुर जाएंगे जी, बसंतपुर में लगाएंगे कैंप। अच्छा, आप बसंतपुर जो हरियाणा का इलाका है। हरियाणा का, हाँ, वहाँ पे काफ़ी क्वेरी आ रही है कि भाई उधर की तरफ कोई कैंप नहीं लगा खाने का और मेडिसिन का, तो हरियाणा का जो इलाका पड़ता है बसंतपुर का, हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन में वहाँ पर भी एक बड़ा कैंप आयोजित करें, फ्री मेडिसिन का और फ्री चिकित्सा का वहाँ पे, ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हाँ, हमने भी देखा है वहाँ पे कोई ऐसा कैंप नहीं है, और जो वैसे खाने के कैंप है वो भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लोग, हाँ, बहुत दिक्कत है लोगों को। अगर आप ये लगाएंगे तो लोगों को कितनी राहत पहुँचेगी। जी बिल्कुल, मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ सर, और हो सकता है मैं कल या परसों 1-2 दिन के अंदर अंदर उस कैंप को आयोजित करूँ, और मेडिसिन के साथ साथ जो और ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी हरियाणा में उसकी भी कोशिश करेंगे कि हम उनको भी पूरा कर सकें। जी देखिए, जहांगीर फाउंडेशन है, ये दिल्ली में तो फ़ायदा पहुँचा ही रहे हैं जो बाढ़ पीड़ित है, अब इनका टारगेट है हरियाणा के लोग जो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, उनको भी ये कल या परसों तक वहाँ। हाँ हाँ, ये देखिए, इनसे बात करेंगे। ये कि हाँ, हाँ की तरफ से आऊँ जी, कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा, आ जाओ इधर, आ जाओ जी, हरियाणा में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप हरियाणा में रहते हैं जी? देखिए देखिए, ये हरियाणा में रहते हैं, वहाँ किस दर्द से लोग गुजर रहे हैं ये खुद बयां करेंगे, हमारे कहने की जरूरत नहीं है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद याकूब है जी, मैं बसंतपुर रहता हूँ जी, बसंतपुर से उल्ली तरफ जो जमुना में कॉलोनी है। हाँ। वहाँ भाई साहब, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई हमें ना SDM देखने आ रहा है, ना कोई नेता देखने आ रहा है, ना कोई दवा गोली की व्यवस्था है वहाँ, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, कोई आज तक हमें देखने नहीं आया, ना SDM ना कोई नेता, कोई नहीं आया। बहुत ज़्यादा खाने पीने की भी दिक्कत है, कपड़े लत्ते सब लोगों के घरों में ही रह गए, ओढ़ने बिछाने की भी, मकानों की, सोने की भी दिक्कत है, वहाँ खाने पीने की तो है ही, दवा गोली, दवाई की तो भूल ही जाओ, वहाँ तो जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो ही नहीं मिल, पीने की नहीं मिल रही, तो दवाई तो हाँ क्या। अब ये नासिर फाउंडेशन वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? नहीं देखो, पहुँच जाएंगे, ये यहाँ तो राहत पहुँचा ही रहे हैं जो बाढ़ पीड़ित है, अब ये वहाँ भी
अब इनका लक्ष्य वो लोग हैं। ये राहत फाउंडेशन वहाँ पहुँच जाएगा इंशाल्लाह, तो वहाँ लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी, बहुत दुआएं देंगे वो गरीब लोग, उनके बच्चे, उन्हें जो खाने पीने को मिलेगा, उन्हें सुविधा मिलेंगी, तो बहुत दुआ देंगे। अब यहाँ पे क्या है ना, कुछ कैंप ऐसे हैं जो पॉलिटिकल कैंप है, जो ये देख रहे हैं कि जी हमारा ये वार्ड है या हम दिल्ली से हैं, लेकिन ये फाउंडेशन क्या है ना, अब ये इनका टारगेट है कि मतलब राहत पहुँचे, चाहे वो दिल्ली से हो या फरीदाबाद से हो या फिर कहीं के भी हो, हमारा लक्ष्य है कि उनको फायदा पहुँचे। ये जो फाउंडेशन है कोई नेताओं का फाउंडेशन ही है जी। अब ये बाकी जो यहाँ कैंप लग रहे हैं, ये तो सब अपने वोट के चक्कर में, वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये लग रहे हैं जी। समझ गए, क्या किसी का भी हो, यहाँ सारे नेता लग रहे हैं, ये अपने अपने चक्कर में लगे पड़े हैं कि भाई हमारे वोट बनेंगे, हम खाना बांटेंगे तो हमारी जो है पब्लिक सिटी होगी। लेकिन ये कोई पब्लिक सिटी के लिए नहीं है, ये एसोसिएशन का है, ये फ्री खिलाते हैं, हर जगह ही होता है इनका, तो यूपी दिल्ली हरियाणा कहीं भी चले जाओ, इनका तो बेचारे ये फ्री में सबको खिलाते हैं। और डॉक्टर सलीम निजामी हैं जो एक बड़े डॉक्टर हैं और बराबर इस फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसा भी हमारे सुनना है। इंशाल्लाह जो है अल्लाह उन्हें जो है उसका अजर देगा, अगर कर रहे हैं हमारे ये तारिक भाई हैं जी, ये भी बहुत मेहनत करते हैं बेचारे इसके लिए, अल्लाह इनको अजर देगा इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल, और करनी चाहिए, अगर अल्लाह ने हमें दिया है, ये सलाहियत दी है, पैसा दिया है, तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए जी। आप देख सकते हो नासिर फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो दिल्ली के अलावा अब हरियाणा में भी, हरियाणा के जो लोग हैं उनका लक्ष्य है हरियाणा के लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, उनको दवाई मुहैया कराना, उनको चिकित्सा मुहैया कराना। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारतीय बुलेटिन और हुंकार मीडिया।